नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल चीयर शॉपिंग में। तो दोस्तों, आज जैसे कि आप सब लोग जान ही रहे होंगे कि अब हर एक क्षेत्रों में कपकपाने वाली ठंड का आगमन हो चुका है। हर लोग जो है अब आने वाले कुछ सीजन जो महीने आने वाले हैं उसमें काफी अच्छी खासी ठंड पड़ने की उम्मीद है। तो अपकमिंग जो विंटर सीजन आने वाला है उसके लिए कौन कौन से अच्छे प्रीमियम थर्मल वियर हैं, तो उसके लिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। और आपको विधिवत सारी चीजों के बारे में बताएंगे, कौन कौन से अपने ब्रांड हैं हम लोगों के जो प्रीमियम सेगमेंट में थर्मल वियर्स होते हैं, उसके कौन कौन से ब्रांड हैं और क्या प्राइस है, मतलब सारी चीजें डिटेल बताएंगे। और एक तरह से ये भी इसकी रैंकिंग भी देंगे कि कौन से सबसे अच्छा है, कौन से खराब है, किसके नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं और कौन अपने पैसे और वैल्यू फॉर मनी एकदम आपको प्रोवाइड करता है। कई सारे थर्मल वियर्स के ब्रांड हैं जो कि अलग अलग पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं वन बाय वन सबके बारे में आपको रिव्यू करूंगा और स्टार्ट हम लोग करते हैं। आपके सामने देख रहे होंगे एक ये ब्रांड है डिक्सी स्कॉट, यू नो सलमान खान इनके पीछे ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जो डिक्सी स्कॉट एक प्लेन आता था, आप लोगों ने भी हो सकता है शायद पहना भी होगा वो थर्मल वियर, तो उसी का ये लोगों ने प्रीमियम सेगमेंट निकाला है जिसकी थोड़ी सी मॉडिफाई किया है इन्होंने, फैब्रिक भी, क्लास भी और प्राइस भी मॉडिफाई कर दी है। जो कि नॉर्मली आपका वो जो थर्मल वियर आता था वो 250 से 300 की रेंज में आता था, तो इसके अनुपात में ये जो प्राइस है इसका डिफरेंस है, ये 550 की रेंज से ये स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ डिक्सी स्कॉट यूनो। इस बार इन्होंने अपना यूनो ब्रांड का जो ब्रांडिंग ही है उसको चेंज कर दिया, यूनो की जगह मैक्सिमस के नाम से आ रहा है। तो इस सीजन में अगर आपको कहीं दिखेगा भी तो वो मैक्सिमस के नाम से आपको दिखेगा, ये एक अपडेट है। तो जैसे कि ये मैं आपके सामने ओपन किया हूँ और इस आर्टिकल की जो प्राइस है वो है 545 रुपीज़। इसमें तो लगभग जितने भी थर्मल आपको मिलेंगे इस वीडियो में, मतलब हर वैरायटी के, हर ब्रांड के जितने भी आते हैं, मैक्सिमम और मैक्सिमम तीन कलर्स उसमें आपको मिलेंगे, सिर्फ तीन कलर्स उसमें आएंगे। वो तीन कलर्स होते हैं, एक ये चारकोल है, एक ब्लैक आता है, एक ऑफ वाइट। ये तीन कलर जो है, और सॉरी ग्रे, चार कलर सॉरी। तो ये जो चार कलर्स हैं, चारकोल, ब्लैक, ऑफ वाइट और ग्रे, ये चार कलर के अलावा आपको पास कोई पांचवा कलर आपको किसी भी थर्मल वेयर में नहीं देखने को मिलेगा। ये टोटल आपके फोर कलर्स ही आते हैं मैक्सिमम। तो इसको जैसे हम ओपन करते हैं और आपको सामने दिखा रहे हैं, और हर एक ब्रांड का अलग अलग है कि किस ब्रांड में कौन से कलर है। तो जैसे कि इसमें आपको चारकोल है, ऑफ वाइट है और ग्रे है, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। तो ये इसका जो 50% इसमें वुलन होता है और 50% कॉटन होता है, ये मिक्सिंग कॉटन के साथ में होता है, लगभग लगभग सभी के साथ वही स्थिति है। तो ये 50% वुल, 50% कॉटन है। अब चलते हैं नंबर फोर की तरफ। तो नंबर फोर पे जो हम लोगों ने ब्रांड रखा हुआ है वो है वैन ह्यूसेन। तो वैन ह्यूसेन जो VH है, बहुत ही बड़ा ब्रांड है, काफी आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही जगह पे इनके आपके EVOs में भी आपको मिलेगा, इनके खुद के रिटेल स्टोर्स हैं, तो नाम बहुत ही बड़ा है इनका, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन क्या इसका थर्मल भी उसको मतलब उस नाम पे खड़ा उतरता है कि नहीं, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि मैंने इसका आइवरी कलर ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें भी वही चारकोल, ब्लैक और आइवरी, तीन शेड में ये थर्मल आता है। आइवरी शेड का जो इनका प्राइस है वो 650 रुपये है, 649 है। एंड ये मैं आपके सामने इसको ओपन कर देता हूँ साइज वाइज के अनुसार, तो आप देख सकते होंगे ये इसका फ्रंट है, बैक साइड है, और इसमें इन्होंने सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी हुई हैं। वैन ह्यूसेन क्लासिक ऑल डे फ्रेश कॉटन रिच है, जेंटल वॉश है, स्टाइल नंबर है 71002, 71002 इसका आर्टिकल नंबर है। और जो भी बड़े ब्रांड्स होते हैं जैसे जॉकी हो गया या वैन ह्यूसेन है, तो लेबल नहीं देते हैं, अंदर की तरफ कोई भी आपको प्लास्टिक या इस तरह की कोई भी चीज़ें किसी भी तरह का लेबल एक्स्ट्रा नहीं देगा, जिससे आपको कंफर्ट मिलेगा। एंड इसका जो आपका बहुत ही मतलब कह सकते हैं लाइट वेटेड है एंड सॉफ्ट कॉटन के साथ में दिया हुआ है, वही है 50% कॉटन है, 50% वूल है। बहुत प्योरली आपको वूल नहीं मिलेगा इसमें, जितने भी अच्छे प्रीमियम लग्जरी ब्रांड्स हैं, ऐसा नहीं है आप कह सकते कि दिखने लगे आपको वो मोटे वूल पे, वो नहीं होगा इसमें कि आपको मोटा वूल दिखेगा, लेकिन हाँ आपको वार्म्थ जो होता है, गर्माहट, वो आपको प्रॉपर देगा। अब बढ़ते हैं नंबर तीन की तरफ। तो नंबर तीन की तरफ जो बढ़ रहे हैं, ये ब्रांड जॉकी है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार नंबर तीन पे जॉकी है, यानी कि नंबर वन पे कोई और भी है, हाँ है। तो ऐसा नहीं है कि जॉकी है, ये एक हॉनेस्ट रिव्यू है, मैं मतलब ये किसी भी तरह से पेड प्रमोशन नहीं है कि हम पेड कर रहे हैं तो उसको ब्रांड को ऊपर बढ़ा दें या नीचे कर दें, ये जो मेरी तरफ से हॉनेस्ट रिव्यू है, क्योंकि हमने मतलब लगभग रिटेल हमारा काउंटर, कई सारे कस्टमर के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है डेली, एंड मैं पर्सनली भी लगभग लगभग मैक्सिमम थर्मल यूज़ कर चुका हूँ, तो हर तरह के थर्मल के बारे में जानकारी है और कस्टमर फीडबैक भी हम लोगों को मिलता रहता है, उसके अनुपात में ये रिव्यू दे रहा हूँ। तो नंबर तीन पे जो है वो है ये जॉकी का थर्मल, आर्टिकल नंबर है 2401 और ये आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर में है। इसका जो प्राइस है वो है 699, इस साल का जो प्राइस आ रहा है वो है 749, 750 रुपये एमआरपी है। तो मैं जैसे कि इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें जो है बहुत ही ओपन करते हैं आप, और जैसे कि ये जो थर्मल है ये देख सकते हैं आप,
तो बहुत ही अच्छा थर्मल है, मतलब नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि इसमें जो है जो वुलन की टेक्निक है बहुत ही अच्छी यूज़ करी गई है। बट मैं ये भी कहूँगा कि मतलब उसके अनुसार जो इसका प्राइस है वो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। जैसे लास्ट ईयर तक भी इन्होंने बहुत मतलब ठीक उसमें रखा था, क्योंकि ये ब्लैक है इस वजह से इसका प्राइस था। बट इस बार जो इनके नॉर्मल कलर्स आ रहे हैं वो भी 749 से स्टार्ट हैं, तो धीरे धीरे इनका प्राइस सेगमेंट जो है ऊपर भाग रहा है। क्वालिटी वहीं की वहीं है, तो क्वालिटी ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, बट हाँ प्राइस के अनुसार अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसमें थोड़ा सा वो रहेगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जॉकी का ये जो थर्मल है 2401, तो ये इस तरह से है, ये मतलब वही है, वार्म टेक्नोलॉजी के ऊपर इसका यूज़ किया गया, बहुत ही सॉफ्टनेस है। मतलब अभी मैं फील कर रहा हूँ इसको, तो मैं बता पा रहा हूँ कि बहुत ही सॉफ्ट है। एंड फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, जरूरी नहीं होता है कहीं पे भी कि मोटे थर्मल हैं या बहुत ही वूलन उसमें ज़्यादा है तभी वो आपको वार्मथ देगा। ये थर्मल ऐसे होते हैं, इसके ऊपर आपकी क्या फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये जितने भी प्रीमियम क्लास के थर्मल्स हैं इसमें आपको फिटिंग अच्छी आएगी, आपके पतले से रहेंगे, आप उसको पहन लीजिए, उसके ऊपर चाहे स्वेटशर्ट पहनिए, शर्ट पहनिए, जैकेट पहनिए, तो आपकी जो फिटिंग होगी बाकी कपड़े की वो बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि इसमें एकदम पतला है। अगर यही अगर आपको बहुत मोटा सा अगर थर्मल पहना दें उसके ऊपर आप कुछ पहनेंगे तो आप बहुत फूले फूले से नजर आएंगे, तो वो वाली चीज़ें इसमें नहीं होती है। तो इसमें कई सारे इसमें वो हैं, तो साइजिंग आती है, स्मॉल का मतलब होता है 80-85, मीडियम 90-95, एल 100-105 और एक्सएल 110-115 सेंटीमीटर। अपर एंड लोअर दोनों का अलग अलग साइजिंग होता है, तो आप साइजिंग में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। मैं फिलहाल सभी का जितने भी मैं थर्मल है इसका डिटेल रिव्यू भी अलग से करने वाला हूं, तो आप उसमें इनके इंडिविजुअल के बारे में जानकारी मिलेगी, इसीलिए अभी मैं शॉर्ट वीडियो में चल रहा हूं ताकि मैं ये एक टॉप 5 का जो है उसको मैं कंप्लीट कर सकूं। तो मेरे हिसाब से ये जो है जॉकी का थर्मल इस बार नंबर 3 पे है। अब आते हैं एक और ब्रांड जो कि नंबर 2 पे है, ये है नेवा। नेवा का जो ये थर्मल है, नेवा अपने आप में इंडियन ब्रांड्स में अगर बात करें तो बहुत ही बड़ा नाम है, धीरे धीरे काफ़ी ऊपर की तरफ जा रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसका प्राइस, मतलब बहुत ही अच्छा इनका फैब्रिक है। अगर फैब्रिक की बात करेंगे हम तो जॉकी को एकदम टक्कर देता हुआ आपको मिलेगा, जैसे कि मैं ये ओपन कर रहा हूँ एंड मैं इसकी सबसे पहले आपको प्राइस बता देता हूँ। तो ये जो प्राइस है 514 रुपये है, मात्र 514 रुपये इसका प्राइस है। एंड इसमें भी कई सारे कलर्स हैं, इसमें आपका ग्रे कलर मिल जाएगा जो कि ये सामने ओपन है, इसके अलावा आइवरी कलर, चारकोल कलर, तीन कलर्स में ही आता है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वालिटी है, जो सॉफ्टनेस एंड जो फील था इसमें वूलन एंड कॉटन मिक्स का, एंड सेम लगभग आपका फैब्रिक में बहुत अंतर नहीं आ रहा है जॉकी में और ये आपके नेवा में। येट उनका है 750 रुपये का और ये आपको मिल रहा है 514 MRP। इसके अलावा जो डिस्काउंट रहेगा वो आपको मिलेगा, तो मैं MRP अभी जितने भी मैंने आपको बताया सबकी MRP बताइए। तो ये जो है आपका 514 रुपये MRP में बहुत ही अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें जो एक कह सकते हैं बहुत ही मोटा थर्मल नहीं है, पतला है, येट इसमें आपको वार्मथ जो है बहुत ही अच्छी मिलेगी। कलर इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे ये ग्रे है, इसके अलावा आइवरी कलर मतलब ऑफ वाइट और चारकोल, तीन कलर शेड्स में ये थर्मल आपको मिल जाएगा। तो ये इंडियन ब्रांड है नेवा और बहुत ही अच्छा इसका मतलब हम लोगों को कस्टमर फीडबैक जो है बहुत ही अच्छा मिलता है और एक सीजन में बहुत ही अच्छी इसकी डिमांड रहती है। एंड जो रिटर्निंग कस्टमर हैं जो एक बार अगर नेवा लेके जाते हैं वो दूसरी बार जरूर उसको मांगते हैं, क्योंकि प्राइस और कंफर्ट और अपना जो फैब्रिक है वो एकदम ऐसे वैल्यू फॉर मनी एकदम प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पे जो हमारा ब्रांड है वो है टोटली इंडियन ब्रांड मोंटी कार्लो। बहुत ही बड़ा नाम है विंटर वेयर के, अगर सिर्फ बात करें, अगर विंटर वेयर में चाहे आप जैकेट्स हो, पुलोवर्स हो, स्वेटशर्ट्स हो, मतलब जितने भी अगर आपके विंटर वेयर में बात करते हैं तो विंटर वेयर का किंग कौन, मोंटी कार्लो। तो मोंटी कार्लो का थर्मल को कोई बीट नहीं कर सकता है। इनका जो सेगमेंट है, जैसे कि अभी मैं ये ओपन करने जा रहा हूँ, इसका जो प्राइस है वो है 680 रुपीज़, मतलब जॉकी से भी कम है इनका प्राइस, और क्वालिटी में जॉकी, वेन्यूसन या जितने भी अभी मैंने ब्रांड बोले सबसे ज़्यादा है। मतलब ये देखिए फील, मतलब ये आपको खुलने से ही मतलब समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये दिख रहा है। एंड इसका जो फील है बहुत ही बटरी स्मूथ फैब्रिक है, इसमें 70% वूल 30% कॉटन है, बाकी सब में लगभग 50-50 रहता है, वूलन की मात्रा इसमें ज़्यादा है और वार्मथ जो है सबसे ज़्यादा इसमें प्रोवाइड होती है। थोड़ा सा बाकियों से अगर जैसे आप नेवा से कंपेयर करेंगे तो नेवा 514 रुपीज़ का है और ये 680 रुपीज़ का है, प्राइस वाइज ज़्यादा है, लेकिन बाकी जैसे आप जॉकी हो गया, वेन्यूसन, उन सबसे ये प्राइस कम है। और विंटर वेयर में इससे अच्छा ब्रांड आपको पूरे उसमें मतलब इंडियन एरेना में कोई और नहीं मिल पाएगा। टोटली इंडियन ब्रांड है, बहुत ही अच्छी वार्मथ प्रोवाइड करता है। अगर किसी ने भी आपके मतलब जान पहचान में अगर मोंटी कार्लो एक बार पहना है तो वो दोबारा मोंटी कार्लो ही लेगा, उसके अलावा उसको कोई दूसरा ब्रांड नहीं पसंद आएगा। हालांकि मतलब आप कह सकते हैं कि नेवा 500 रुपये में है और ये 680 का है, लेकिन ये 680 में एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। जरूरी नहीं मतलब किसका क्या प्राइस है तो उसके अनुसार है, जैसे हम नेवा 514 के अनुसार अपना में अच्छा है, लेकिन अगर आप 680 प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसको पहनने के बाद आप सिर्फ एक स्वेट शर्ट पहन लीजिए और लगभग आप दिसंबर की जो मेन ठंड आती है वो भी आराम से काट सकते हैं सिर्फ ये थर्मल एंड एक स्वेट शर्ट के अनुसार। जितने भी थर्मल मैंने अभी आपको ओपन किए हैं ये सारे अलग अलग आते हैं, मतलब अपर इसका अलग आएगा, लोअर अलग आएगा। तो जितने भी मैंने अभी आपको सामने दिखाए हैं इस सबकी ऊपर की है, ये मतलब अपर जो वेस्ट है उसका मैंने सबकी प्राइस बताई है। लगभग जो अपर की प्राइस होती है वही लोअर की भी उसकी प्राइस होती है। जैसे अगर ये 680 का अपर है तो लगभग 670 या 660 लगभग इसी के आसपास जो इसका लोअर भी होता है, मतलब उसमें प्राइस में अंतर नहीं हो। जैसे जॉकी का 750 का अगर अपर है तो 750 का ही लोअर आएगा। तो एक तरह से मतलब जो भी अगर आपको अपर एंड लोअर कंप्लीट करना है तो उसमें आपको N22 कर लीजिए तो वो आपका प्राइस आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने डिटेल वीडियो बनाया है टॉप 5 का थर्मल वियर के लिए इस विंटर सीजन के लिए वो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो या ये वीडियो थोड़ा भी हेल्प कर रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।